गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी आपको काम मिल रहा है और जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। और आपके अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि वे आपका काम ज़रूर देखें। एक दिन में केवल 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो बच्चों, आज हम साहित्य सागर के गद्य भाग से पाठ 1 बात अठन्नी की पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखी हुई है। सुदर्शन जी की एक और बहुत मशहूर कहानी आपने सुनी होगी, हार की जीत, खड़क सिंह वाला, नहीं डाकू खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। इसके अलावा सुदर्शन जी की एक और कहानी हमने इधर पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ी थी। चलिए अभी मैं फिलहाल वो ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, तो मैं अभी आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक सुदर्शन जी ने समाज के कड़वे सच से परिचय करवाया है। उन्होंने इस कहानी में ऐसे लोगों के आचरण को उजागर किया है जो दोहरा चरित्र रखते हैं। लेखक ने लोगों की संवेदनहीनता, समाज में व्याप्त भेदभाव, भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, शोषण, गरीबी, इन सब चीज़ों को इस कहानी में दिखाया है और समाज के इस आचरण पर गहरी चोट की है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और बात अठन्नी की कहानी में कथाकार ने इसी समाज से दर्शन कराया, इसी समाज को हमारे सामने दर्शाया है। और जो ये पूरी कहानी है ये एक अठन्नी पैसे के इर्द गिर्द घूमती है और समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से अपराध करने के बाद भी बड़े सम्मानीय पद पर होते हैं और बड़े इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, निश्चिंत होकर, रुतबा भी बहुत होता है और मान सम्मान भी पाते हैं, और गरीब की एक छोटी सी गलती जो है उसे किस तरह से काल कोठरी में ले जाती है, इस कहानी में हमें बताया गया है। समाज के दोहरे चरित्र के बारे में बताया गया है। तो कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है, मैं कहानी का सारांश आपको बता रही हूँ ताकि कहानी आपको पढ़नी भी है तो इससे आप उसको समझ सकेंगे। बात अठन्नी की कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, उनका नौकर रसीला है, मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब हैं और उनका नौकर रमज़ान है। इस तरह से 4 पात्र हैं, एक तो है बाबू जगत सिंह, दूसरा रसीला उनका नौकर है, मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब हैं और उनका चौकीदार जो है वो रमज़ान है। और इस कहानी में रसीला मुख्य पात्र है। रसीला एक गरीब और ईमानदार नौकर है और इधर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के बगल वाले मकान में ही मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब का मकान है और रमजान वहाँ पर चौकीदार है। वह भी रसीला की ही तरह गरीब है और रसीला और रमजान दोनों ही अच्छे मित्र हैं। रसीला को कुछ मिलता, उसके साहब को मिठाई का बहुत शौक था और इंजीनियर बाबू जगत सिंह को, तो रसीला जब भी कुछ मिठाई मांगता पाता तो रमजान को भी उसमें ज़रूर देता।
और रमज़ान के जो मालिक हैं शेख सलीमुद्दीन साहब, उनको फलों का बड़ा शौक है। तो जब रमज़ान को फल मिलते तो वो रसीला के साथ में उनको बांट कर खाता। इस तरह से दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार की बात है कि रसीला के बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, और जब कोई भी उसकी मदद नहीं करता है तो रमज़ान उसे कुछ पैसे उधार देकर उसकी सहायता करता है। रसीला उसके सभी रुपए लौटा देता है, जितनी उधारी उसने ली होती, जितना कर्जा लिया होता है, सब लौटा देता है, बस एक अठन्नी ही बाकी रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि रसीला सुन लेता है कि उसके इंजीनियर बाबू जगत सिंह जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत में कम से कम 500 रुपए की रिश्वत वो लेते हैं। ये बात वो रमज़ान को जाकर बताता है। रमज़ान अपने दोनों साहब लोगों की हकीकत रसीला को बताता है कि उसके साहब तो 1000 रुपए से कम कर की रिश्वत नहीं लेते हैं। और यही सोचकर कि वो गरीब है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसे कितनी मुश्किल से महीने के 10 रुपए मिलते हैं, और वह भी उसे क्या होता है कि अपने परिवार में उसे देना पड़ता है जो गांव में रहता है, और उसमें उनका गुजारा भी नहीं होता है। बेचारा बहुत गरीब होता है। अब एक दिन क्या होता है कि बाबू जगत सिंह जो हैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह, वह रसीला को 5 रुपए देते हैं और मिठाई मंगवाते हैं। रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लाता है, अठन्नी बचा लेता है और अठन्नी ले जाकर रमज़ान को दे देता है, और सोचता है कि अब उसका ऋण उतर गया, चुकता हो गया। इधर जब वो घर मिठाई लेकर पहुंचता है तो मिठाई देखकर बाबू जगत सिंह का माथा ठनकता है, उन्हें शंका होती है और वो पूछते हैं कि मिठाई कितने कम क्यों है। तो रसीला बहुत सीधा साधा सा ईमानदार व्यक्ति है, जब बाबू जगत सिंह कड़ाई से पूछते हैं तो रसीला सच बता देता है कि उसने अठन्नी की हेरा फेरी की है। बाबू जगत सिंह उसे खूब मारते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को 5 रुपए की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि सारा जुर्म कबूल करवा लेना। रसीला अपना जुर्म तो कबूल कर ही चुका होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब के अदालत में पेश होता है। वहाँ पर उसका अपराध सिद्ध हो जाने पर मजिस्ट्रेट साहब उसे 6 महीने की कारावास की सज़ा सुनाते हैं। सजा सुनकर जो उसका मित्र होता है रमज़ान, वो बिल्कुल क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, और वह इस न्याय व्यवस्था पर क्रोधित होकर कहता है कि यह न्याय नहीं अन्याय है, अंधेर नगरी है ये। अठन्नी के चोर को सजा हो गई और 500,000 के चोरों का क्या, जो सभ्यता का आडंबर रचाकर चैन से सो रहे हैं। वह एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है समाज के लिए कि जो बड़े बड़े चोर हैं वो आराम से चैन की ज़िंदगी निपटा रहे जी रहे हैं, और अठन्नी का मजबूरी वश गरीबी से आहत होकर या गरीबी से प्रभावित होकर उसने अठन्नी की हेराफेरी की। तो न्याय करते समय हमेशा ये सोचना चाहिए कि न्याय के पीछे का या अपराध के पीछे का कारण क्या था, अपराध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और अपराध का कारण किसी की गरीबी है, किसी का दुख है, किसी तरह की कोई पीड़ा है। सबसे पहले बात है कि गरीबी है, भूख है, अगर ये अगर अपराध का कारण है तो सबसे पहले उस गरीबी को, उस भूख को ख़त्म करनी चाहिए,
उसका हल निकाल कर उसके बाद सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो हमें गरीबों के प्रति, उनके द्वारा किए हुए अपराध के प्रति थोड़ी सी अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा कि चोरी का कारण क्या है, चोरी क्यों हुई, किस लिए हुई। और हमने कई बार ऐसे चीज़ें देखी हैं कि समाज में ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो गरीबों की सहायता भी करते हैं। तो कहानी का मुख्य जो संदेश है वो यही है कि मालिक जो हैं अपने नौकरों की छोटी मोटी भूल को क्षमा कर दें, न्याय करने से पहले उसके अपराध का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जहां बाबू जगत सिंह अपने नौकर की अठन्नी की चोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नौकर को कठोर दंड दिलवाते हैं, वे स्वयं बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करते थे। शेख सलीमुद्दीन साहब भी ऐसे हैं। ऐसे लोगों को न्याय करने के लिए न्याय की कुर्सी पर बिठाना क्या उचित है, यह सब एक प्रश्न चिन्ह है। तो बच्चों, अगले इसमें मैं आपको इस कहानी के बारे में और भी जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो आप ये कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद ही जब पढ़ेंगे तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आप कहानी पढ़िए और अगली क्लास में हम मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, बाय।